कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जितने भी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में हैं, और हम बहुत अच्छे से अब इसकी तैयारी करेंगे कि बोर्ड में सीबीएसई के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो आप उसको हर हाल में कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ। make it positively charged.
चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। एक प्रॉपर्टी है एटम की जो एटम को या तो पॉजिटिवली चार्ज बनाती है या नेगेटिवली चार्ज बनाती है, या फिर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो तो क्या हो जाता है, एटम न्यूट्रल हो जाता है। बेसिकली जितने भी एटम जो एग्जिस्ट करते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में करते हैं। न्यूट्रल स्टेट कब आएगी, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या रहेगी, स्टेज जो है एटम की न्यूट्रल रहेगी। चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, या तो हम कर देते हैं इसको कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, ये मर्जी है हमारी कि हम इसको या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम्स, राइट। एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, कूलॉम्स, और कूलॉम्स को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। क्लियर है बेटा, नोट करिए इतना। चलिए क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। तो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं चार्जेस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब क्लास नाइन्थ में हम एक बार ही पहुंचते हैं, और क्लास नाइन्थ में अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो वो क्यों होता है, वाई, किस वजह से होता है। जब कोई फोर्स लगता है तभी ना मूवमेंट होता है, बिना फोर्स लगे क्या मूवमेंट होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, तब तक उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है और वो ऑब्जेक्ट जूम मूव करना शुरू कर देता है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर चार्जेस की हम बात करें कि चार्जेस जो है वो मूव करना शुरू कर गए हैं, तो चार्जेस मूव करना शुरू कर गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि चार्जेस के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से, चार्जेस पे वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है। और जब ऐसा होता है, फोर्स लगने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इस टर्म को कहते हैं वर्क हैज टू बी डन, कुछ काम हुआ है। क्लियर। तो यहाँ हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी से, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। talk about the SI unit,
ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नोट करिए, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट when 1 joule of work is done to carry a 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be 1 volt। ye aata hai question, 1 volt define karo, 1 ampere define karo, kya hota hai? to beta kya hota hai 1 volt? when 1 joule of work has to be done to carry a 1 coulomb of charge, then the potential difference across 2 points, the potential difference is across these 2 points where the charge is moving, the charge is moving between these points, that potential difference is known as or said to be a magnitude of 1, that is 1 volt। clear? चलिए इसको नोट करें फटाफट, 1, 2, 3 वीडियो को पोस्ट करेंगे, नोट करेंगे। चलिए तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब चार्जेस का फ्लो होता है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब चार्जेस के फ्लो से क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी रन करती है वायर्स में, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट, राइट? तो नेक्स्ट इज करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, क्लियर? तो करंट के लिए बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, टाइम के साथ साथ चार्जेस का फ्लो होना, दैट इज करंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, क्यू बाय टी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एंड 1 एम्पियर इज अगेन इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। मीन्स वेन डू वी गेट 1 एम्पियर ऑफ करंट? वेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज मूविंग इन 1 सेकेंड, that is the current is coming or running in the circuit is, that is of 1 ampere, and which device is used to measure the current, that is ammeter। by using ammeter we can measure the current in the circuit, ki circuit mein kitna current jo hai wo measure flow kar raha hai, right? क्लियर हुआ? इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है और नोट करना है। करंट क्या है? बेसिकली चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है वो करंट है, ठीक? और करंट को जो मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का क्या नाम होता है? एमीटर नाम होता है। आपके स्कूल के लेबोरेटरीज में एमीटर होगा, वोल्ट मीटर, ओके? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करा जाता है वोल्ट मीटर्स। क्लियर है बेटा? करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, और वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको मेजर करते हैं यहाँ से हम? पोटेंशियल डिफरेंस को। और यहाँ से किसे मेजर किया जा रहा है बच्चे? करंट को, ठीक? इतनी बात क्लियर हुई कि करंट जो है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्जेस जो है एक कंडक्टर में फ्लो करते हैं। चार्जेस जो है वो क्या फ्लो कर रहे हैं? कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। देखो बैटरी सेल ये सब हम लोगों ने देखा है ना, रियलिटी में सेल आता है, बैटरी आती है, ठीक है ना? 9 वोल्ट की ब्लू कलर की या वो मोटे सी रेड कलर की बैटरी आती है, और वो पतले पतले से सेल्स आती हैं। तो उनके लिए बेटा सिंबल्स है, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स भी पढ़ेंगे। तो पहले बैटरी के लिए सिंबल समझिए, क्योंकि मेरे को आपको फ्लो समझाना है चार्जेस का, तो वो एक बार आप समझिए ध्यान से। दिस इज द सिंबल फॉर सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हैव माय वर्ड्स, कीप माय वर्ड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर आर इन मोशन नाउ व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द सेल। नाउ दे आर मूविंग, दे आर इन मोशन, दे आर मूविंग लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन of the electron inside the conductor, what will produce? The current will produce, and the current will produce from positive terminal of the cell and terminates at the negative terminal of the cell. This is the current is moving like this. Current, it is very much clear from the diagram that the motion of the electron is always when we connect the battery with the conductor, the electrons inside the conductor are in motion, and due to the motion of the free electron inside the car in the conductor, the current will produce from positive terminal and terminate at the negative terminal of the cell. Clear everyone? Please note down, make it sure that it should be clear to you how does current will produce in the circuit. This whole setup is known as circuit. Circuit is a path on which, yeah, fir circuit gives a path to flow the current. Circuit ke help se hi current flow hota hai, and for circuit we need electrical components like battery, cell, emitter, voltmeter, conductor, switch, keys, resistor, and so on. We all think with these all electrical components we'll discuss later in this chapter only. Clear? The circuit, this is the whole setup is known as the circuit, and this gives the path to move the electric current in the circuit. And how does it? By moving the electrons, and the motion and the current both are in opposite direction. The electrons are moving like this and current is moving like this. Clear? Pause karenge video ko aur likhenge. Now comes to the very important law of this chapter, that is Ohm's law. A conductor having free electrons and connected with a battery. When two or more cells join together, that form a battery. This is positive terminal, this is negative terminal, right? We are making a very simple diagram only to understand the, this is conductor, Ohm's law. We are not connecting here emitter, voltmeter, rheostats, plug key, no need. We only just to understand that Ohm's law, what does it state only. When, what does Ohm's law states? At constant temperature, at constant temperature, this is the very important thing, at constant temperature, the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the two points.
दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? करंट. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बी वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट. At constant temperature, the current is flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the two points. Clear? Ohm's law ne kya bola? If we do it mathematically, let it state it first. Ohm's law states that constant temperature current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference. When we remove this sign of proportionality, we are getting a constant here, that is R resistance. R is resistance. And how can we find the resistance if we know the potential difference across the two points and the current flowing in the circuit? We can value of resistance. What does it mean? Resistance hota kya hai ab ye resistance? What does it mean? It restrict the flow of current in the circuit. Current ke flow ko restrict karta hai. It has a property to restrict the flow of current. And if we talk about the SI unit of resistance is ohms and symbol is this, and that is the and symbol of resistance. This is the symbol of resistance. Clear? नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए ओम्स लॉ क्या होता है. हाँ जी बेटा, ओम्स लॉ क्लियर है. ओम्स लॉ में हमने थोड़ा सा पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, तो आइए आप रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं. बेसिकली रेजिस्टेंस इतना मैं आपको पहले बता चुकी थी, दैट इट इज अ प्रॉपर्टी of a conductor to restrict the flow of current or flow of charges. Clear? इतना clear हुआ resistance के बारे में. और resistance को कि अगर हम units की बात करें तो क्या units हमने पढ़े थे? ohms जो है वो resistance के unit होते हैं. ठीक है बेटा. If we have to calculate the resistance of the circuit, हमें circuit का एक resistance calculate करना है, तो what should we do? We have to first connect a conductor or a resistor here with a battery. Always remember that voltmeter is always connected with the in parallel with the resistance, and ammeter is always in series. Very soon you will got to know about
about these symbols and that word I am using, parallel connection and series connection, right? Now we have to calculate the value of R, and we know the value of R is only calculated by this. If we get the this, so in the labs we will perform this practical, and by changing the value of potential difference, the current is changing, and for different values we calculate the resistance value, and for every value the value of the resistance will remain constant. It will same, hamesha same aata hai. And let's draw the graph to show the Ohm's law. Here we'll take current I, here potential difference, point of origin, like 1 ampere. Consider it. Amperes is a very big value. Basically, it comes in milli amperes or not. 2 volt, 3 volt, 4 volt. And if the conductor follows the Ohm's law, the graph should be like this, straight line graph. And by measuring the slopes, can calculate the value of resistance. From here it will become like R1 given by I1. From here, like this will R1, this will become R2, this will become R3, so on. Ohm's law is also having some limitations, that it only and only valid for the some electrical components like wires, metallic wires ki agar hum baat karte hain, it only obeys the Ohm's law. Agar hum metallic conductors ki hum baat karte hain, we talk about the semiconductors and all in the higher classes, we learn about it, that devices are not follow the Ohm's law. ठीक है, वो electrical component, electronic components जो होते हैं वो Ohm's law को follow नहीं करते हैं. तो यही इसका limitation है कि Ohm's law जो है वो particularly electrical, कुछ electrical devices के लिए ही होता है. clear है बेटा? चल इसको देखिए, ध्यान से draw कर लीजिए. draw करना है तो next we will going to learn factors. रिलेशन वायर का जो लेंथ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. सेकंड इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Clear it?
of the wire means the good conductor. If we talk about the most preferably good conductor for the flow of current is gold or silver, but the wire of gold and silver is much much expensive. So we don't use the wires which are made from gold and silver. We use rather than silver and gold copper wires, aluminium wires, right? So the material of the substance from which the wire is made up is also varies the value of resistance. Like silver has less resistance, gold has very much less resistance. Copper as compared to the similar silver or gold is much resistance. Fine. And obviously the resistance, value of the resistance is also depends on the temperature. That's why in the Ohm's law we consider at the constant temperature. The Ohm's law is verified at and at only the one condition, that is the constant temperature. Clear? Means resistance also depends on temperature of the material. But in class 10 we need not to worry about this, but in higher classes like in class 12 we go through this. Okay, and for class 10 we only consider this point, this point and this point. Fine. Give it as equation 1, give it as equation 2. Now combine equation 2, 1 and 2 on combining equation 1 and 2. We get R is this. When we remove this proportionality sign, another constant comes, that is resistivity of the material, rho. This is known as rho. And this is the symbol of rho. From here we can calculate the value of the rho also. Right? And SI unit of rho is ohm meter. Clear? Now how do we define rho? Basically rho is the property, internal property of a material, or we can say rho is the specific resistance of the material. Rho ek material ka specific resistance hota hai and it cannot be changed. It cannot be changed by changing the length, by changing the area. It cannot be changed. It is a constant quantity. For the different materials, the value of rho will be different. For copper it is different, for aluminium it is different, from silver it is different. The value of resistivity does not depend on area and length. Keep my words, because the questions are framing from this for creating a lots of confusion. Resistance depends on length and area. Rho does not depend on length and area. Clear? Bilkul clear nahi hai. Rho is a constant for every material. It never changes with change in length, with change in area. So this is rho, this is the symbol of rho, unit of the rho, and this is the formula how to calculate the rho.
this. The resistance offered by the conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. That is resistivity. The resistivity mathematically is defined as the resistance offered by a conductor of unit length and area of cross section 1 meter square. That is true. We can define it easily. Joint.
जंक्शन पॉइंट। And one hand at the end
joint resistance in the series combination like this? This is series combination. Three resistances are connected in series. If two, then it will become like and always free. There is no connection at the end with the another resistor. Here also, and I think this diagram is more clear for you. कि आप तीन आपके आप खड़े हैं, एक दो आपके दोस्त खड़े हैं, बीच में आप हैं, एक हाथ आपके एक दोस्त ने पकड़ा हुआ है, एक हाथ आपके एक दूसरे दोस्त ने पकड़ा हुआ है, और आपके दोस्तों के एक हाथ क्या है, फ्री है. दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ वी टॉक अबाउट द पैरेलल एक हाथ आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है और एक और हाथ, दोनों हाथ जो है आपके एक फ्रेंड ने आपके पकड़े हुए हैं या आपने अपने फ्रेंड के पकड़े हुए हैं. दैट इज द पैरेलल कनेक्शन लाइक दिस. द टू एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द अनदर टू एंड्स ऑफ द अनदर रजिस्टर. आर वन, आर टू एंड आर थ्री. दिस इज द पैरेलल. देखिए इसको क्लियर करिए. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन. इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट. फर्स्ट वी आर डिराइव फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. हियर वी कंसीडर, लेट अस consider three resistor are connected in series R1, R2 and R3 with I current is flowing
इन सीरीज कनेक्शन द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईच रजिस्टर विल बी इक्वल. Like I current is flowing and so the I current is flowing through the resistor R1. The I current is flowing through the resistor R2 and the I current will flow through the resistor R3. The same amount of current will flow from each resistor. In series. Equivalent resistance that is R equals to R1
कॉम्बिनेशन द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द अलजेब्रिक सम आई मस्ट से द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. देखिए नोट करें डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में पूछ ली जाती है बहुत बार. चले तो हमारा सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया था. अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. If we talk about parallel combination, the resistors are connected like again here we consider let us consider three resistor R1, R2 and R3 are connected parallelly या फिर parallel to each other and in this connection the thing we have to remember like here the potential difference across the each resistor will remain same but current flowing through the each resistance will be different. The current here the total current will be divided in the different branches. Let us see. First, the potential difference across each resistor will be different. It's equal. Will be equal current flowing through each resistor will be different. Now let us draw the diagram. This is R1, this is R2 and this is R3. Are joined with each other. None of the end is free. Every end is indulged with the other resistance, right? Now connected with a battery. If the potential difference is through this battery is given to the circuit is V, it means V is across here, V is across here and V is across here. In tino ke beech mein jo potential difference hoga wo kya hoga? Equal hoga, V hoga. Ab let's talk about the current. The current is starts from the positive terminal and here you can see the branches are divided. This is the branch 1, branch 2 and branch 3. Let us consider that I1 current is flowing in the branch 1, I2 is in branch 2 and I3 is in branch 3. Here also the I1 is coming here and going out from branch 1, I2 is going out from branch 2 and I3 is going out from branch
3. Now here these three currents are combined. Here the current are divided when they are going inside the branch. Here they are coming out from the branch. The current are here. Now add up I1 plus I2 plus I3 is become I now. The I current. Always remember जितना current बैटरी से जाएगा उतना ही current बैटरी में वापस आना चाहिए. I current बैटरी से जा रहा है तो I current ही बैटरी से वापस आना चाहिए. Clear? तो here we get the first equation that I is what total current flowing in the circuit. Right, it means I is equals to I1 plus I2 plus I3. ये क्लियर है इतना? देखिए इसको ध्यान से समझिए, नोट करिए. देखिए यहां पर नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V equals to R I, or we can say I equals to V by R. We can write this for I1. This equation will become V upon R1. For I2, this equation will become V upon R2. And for I3, this equation will become V upon R3. Let us say this is equation 1. So we can put the value of I, I1, I2 and I3 in the equation 1. We have the value of I, I1 and I3 and I2. Right? So by putting the value in equation 1, we are equals to बारे में याद करिए.
कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो. द वर्क डन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम दैट इज पावर. यही पढ़ा था अगर याद हो तो. क्लास 9th में हम पावर के बारे में पढ़ते हैं. वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम दिस इज पावर. यस दिस इज पावर. बट हियर इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी आर लर्न अबाउट द कंजप्शन ऑफ पावर. हमारे घरों में जब हम पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, कूलर, एसी, इतना कुछ जब हम चलाते हैं तो पावर कंज्यूम्ड होती है. डिसिपेशन होता है पावर का, कंजप्शन होता है पावर का. तो यहाँ ये जो वर्क है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा? वर्क जो है ना तो कभी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी ना तो कभी भी डिस्ट्रॉय होती है ना कभी भी क्रिएट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है. तो अगर हम यहाँ वर्क डन की भी बात करते हैं तो वर्क डन के लिए भी कुछ ऐसा ही है. वर्क डन जो है यहाँ पर वो किस फॉर्म में सामने आता है? वर्क हमेशा किस फॉर्म में सामने आता है बेटा? वर्क हमेशा और हमेशा सामने आता है एक एनर्जी की फॉर्म में. तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रही हूँ तो यहाँ वर्क जो हो रहा है वो किसकी फॉर्म में सामने आएगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सामने आएगा तो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली. इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम, यही होगा पावर. तो पावर की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट पावर की वही रहेगी बेटा वॉट, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वी नो वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड. जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉट, टाइम. ये वाला सारा, ये वाली जो चीजें है ना, ये सब हम क्लास 9th में पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट. तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हुआ है तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इधर देखिए, पावर इनटू में टाइम अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा. यहां से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, तो यहां से अगर हम बात करें तो वॉट सेकेंड, वन वॉट सेकेंड इज इक्वल टू वन जूल. क्लियर है बेटा? अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है डिफाइन वन वॉट, वन वॉट को डिफाइन करना है तो क्या होगा? व्हेन वन जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन वन सेकेंड, दैट इज व्हाट वन वॉट. जब एक एनर्जी का डिसिपेशन, एक जूल एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है एक सेकेंड में, तो दैट इज वन वॉट. डोंट वरी, ये सारी डिफाइन जो है मैं लिखवाऊंगी सारी, कि वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, वन एम्पियर को, वन वोल्ट को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ लिया जाता है. क्लियर है बेटा? इतना ही क्लियर आया? ठीक, अब हम अगर बात करें तो जूल इज द एसआई यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. बट हियर we have to deal with the commercial unit of energy, not with the SI unit. Now we have to find what is the commercial unit of energy. For that, 1 kilowatt, this is what? Kilowatt. Kilowatt. 1 kilowatt is equals to 1000 watts. 1 kilowatt जो है उसमें कितने
वोट्स होते हैं, 1000 वोट्स होते हैं। क्लियर बेटा? इफ वी टॉक अबाउट 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट में कितना जाएगा, 10^6। ठीक है, अगर यहाँ आ गया 1 मेगावाट, दिस इज मेगावाट, तो मेगावाट की अगर हम बात करें तो 10^6 वोट्स। क्लियर? अब इधर देखो, हमें क्या बात करनी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की हमें बात करनी है। तो अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करना चाहेंगे, अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो क्या होती है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे तो दैट इज किलोवाट आर। मींस हियर द पावर इज टेकन इन किलोवाट एंड टाइम इज टेकन इन आवर्स। फॉर जूल द पावर इज टेकन इन वॉट्स एंड टाइम इज टेकन इन सेकेंड। लुक एट हियर, द पावर इज टेकन इन वॉट्स एंड टाइम इज इन सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। Now we have to use this kilowatt hour. This is the commercial unit, and 1 kilowatt hour is equals to 1 unit. कभी भी आपका बिजली का बिल आएगा ना, तो उसमें ये होता है कि कितने यूनिट जो है आपने कंज्यूम करी है एक महीने में, तो 1 kilowatt hour जो है वो 1 unit को रिप्रेजेंट करती है, इसी से पूरा कैलकुलेशन चलता है। Now we have to find out the relation between the SI unit of electrical energy and the commercial unit of electrical energy, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कमर्शियल का। तो हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे हम रिलेशन करने वाले हैं। आइए रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इन दिस वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1 kilowatt hour इन वॉट सेकेंड। ओके, as we know that 1 kilowatt contains 1000 watts and 1 hour contains 60 minutes and 1 minute contains 60 seconds, means how many seconds contained by 1 hour is 60 into 60, that is 600 seconds. Okay, so put the value of kilowatt in watts here and of hour in second here, right? If we are doing so, then 1000 watts into with 600 second, this expression will come, and 1 kilowatt is now, this will become 6 into 10^5, देखो 1, 2, 3, 4, 5 watt second लिख सकते हैं इसे। क्लियर है? एंड वी नो दैट, इधर देखो ध्यान से, 1 watt second इज इक्वल टू जूल, इससे पहले हमने पढ़ा था, देखो आपकी नोटबुक में आपने नोट किया होगा, 1 watt second इक्वल्स टू 1 जूल, तो दिस विल बिकम जूल। तो इधर मैं लिख देती हूँ 1 kilowatt hours 36 into 10^5 जूल्स। नाउ इन फिजिक्स
और दी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप 11th में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सिग्निफिकेंट वो फिगर्स होती हैं बेटा जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक नंबर में। ये एक नंबर है, समझ रहे, देखिए मैथ्स को देखिए, ये एक नंबर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ देखनी होती है। तो अगर ऐसे मैं ये नंबर लिखती हूँ ना 36 × 10^5, तो ये क्या बन जाता है, इनसिग्निफिकेंट बन जाता है 10^5, इसका कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन टू मेक इट सिग्निफिकेंट वी हैव टू पुट द डेसिमल हियर, सो दिस विल बिकम, दिस इज द रूल। क्लास 11th में हम ये पढ़ते हैं अच्छे से, दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो दिस विल बिकम 3.6 × 10^6 जूल। इट मीन्स 1 kW इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ जूल, और 1 unit इज इक्वल्स टू 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 × 10^6 जूल। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिए एक स्टेप को, नोट करिए। चलिए, तो अभी हमने बात करी है कि कैसे हम कमर्शियल लेवल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पावर का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करा, अभी हम पावर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पावर का हमने एक फॉर्मूला देख लिया, वो क्या था फॉर्मूला, अगर हम बात करें पावर के फॉर्मूले की, तो वर्क अपॉन में टाइम, राइट। अब अगर हमें वर्क ना गिवन हो, टाइम ना गिवन हो, हमें ये बोला गया है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर और इतना करंट जो है वो सर्किट से फ्लो हो रहा है, आप बताइए कितनी पावर का कंजप्शन हो रहा है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर? हाँ बिल्कुल। अब हम इसी से डराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। देखिए, सबसे पहले उठाते हैं इस वर्क को, वर्क को उठा लेते हैं। वर्क को उठाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, जरा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, खुजलाओ दिमाग को अच्छे से, ऐसे 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 दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालोगे तो निकल के आएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यही था पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से W, ये वर्क की वैल्यू मिल गई हमें, W वॉट नहीं है वो, ये है वॉट, ठीक है भाई। इसको, इस W को ये ना समझे, ये नहीं है, ये वर्क के लिए सिंबल है W, हम वर्क के लिए सिंबल भी लगाते हैं। तो यहां मैं वर्क ही लिख देती हूँ, छोड़ो आप। तो यहां से हमें वर्क मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, दैट इज वर्क। तो क्या मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन 2 की वैल्यू को? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो पुट अगर हमने कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू बाई टी। अब जरा दोबारा से एक बार दिमाग कैसे खुजाना और देखना जरा, यहाँ से फिर से कुछ एक और टर्म निकल के आ रही है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से बिल्कुल इस पे फोकस, सब सारी चीज़ें छोड़ दो क्योंकि बहुत चीज़ें करते हो तुम, ये सब कुछ छोड़ के यहाँ देखो क्या है यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है या नहीं, दैट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। तो पावर हियर बिकम वी इनटू आई एस क्यू बाय टी इज इक्वल्स टू आई, बोलो आ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, करंट गिवन हो, तब भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें वर्क की जरूरत नहीं रहेगी, इस फॉर्मूले से भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ये बोल दूं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, करंट दिया, रजिस्टर दिया, पावर कैलकुलेट करो, क्या कर सकते हैं? सोचो क्या चीज इस पे इंप्लाई करोगे इसको चेंज करने के लिए। क्या मैंने बोला है, करंट और रजिस्टर की हेल्प, रजिस्टेंस की हेल्प से हमें पावर कैलकुलेट करनी। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली चीज को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा,
किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए कहां से? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आ गए हम। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर है या नहीं? तो यहां पर हम V की वैल्यू को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3।
ठीक है, ठीक है जी। तो अब इधर ध्यान से मेरी बात सुनो, जब बैटरी सप्लाई करी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, तब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करेंगे। मूव करेंगे तो बहुत रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कोई एक यूनिक डायरेक्शन में तो मोशन नहीं होगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। ऐसे जाने में क्या होगा आपस में, जब रैंडमली आप एक भीड़ में भागेंगे, सोचो आप बहुत सारे जने एक भीड़ में रैंडमली भाग रहे हैं, तो क्या होगा आपस में, कोलिजन होगा या नहीं होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ये दूसरे को कर देगा, यहाँ ऐसे होगा, आपस में कोलिजन होगा। और इतना ज्यादा कोलिजन होगा, इतना विग्रेस कोलिजन होगा, यहाँ पर ये विग्रेस कोलिजन, ये जो मोशन है, जो वर्क जो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, जो वर्क इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। ये मोशन, ये जो वर्क इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं यहाँ इस कंडक्टर में, ये किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, ये वर्क ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है हीट एनर्जी की फॉर्म में। हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का क्या मतलब है कि ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये कंडक्टर गर्म हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसका ये मतलब है सिंपल, इलेक्ट्रॉन जब हमने बैटरी सप्लाई करी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इतने विग्रेसली मूव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो वर्क है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया है, वर्क हीट एनर्जी, और ये कंडक्टर हीटअप हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्लियर हुई बात मेरी? जूल्स हीटिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दे कोलाइड विद ईच अदर, एंड ड्यू टू देयर विग्रस कोलिजन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट हीट एनर्जी is heat up the conductor, and this phenomena is called as Joule's heating effect. या फिर ये भी बोल सकते हैं, when a current is passing through a resistor, when a current is passing through a resistor, that resistor become heat up or heat will produce, this is called Joule's heating effect. Clear है बेटा, समझ में आया ये बात, क्या Joule's heating effect है? तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको ध्यान रहेगा, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द रजिस्टर और एनी कंडक्टर पढ़ा था हमने पहले, अभी
ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। अब पावर का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, पावर की अगर हम बात करें तो पावर का हमने क्या पढ़ा था, V इंटू आई, ये पढ़ा था फॉर्मूला पावर का, तो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, पावर की जगह पर। ये इक्वेशन इसको बोल दो इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इक्वेशन टू को इन वन में। तो जब हमने पुट करा तो हमारे पास क्या आ गया, वी इंटू टी इंटू ई, दिस ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये किसमें ट्रांसफॉर्म होने शुरू हुई, जब करंट जो है यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ तो हीट एनर्जी में, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, तो वी आई टी इज इक्वल्स टू एच, दिस इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, क्लियर हुआ। अब इसी को हम इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ, अगर रजिस्टर लिखना चाहे तो ऊपर देखो यहाँ पर V की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन थ्री में हम क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे पुट किसकी, V की, पुट वैल्यू ऑफ V इन थ्री। तो जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ गया, आई आर इंटू आई इंटू टी इक्वल्स टू एच। तो यहाँ देखो यहाँ से क्या बन गए, आई स्क्वायर आर टी, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, ऐसे ही हम आई का भी कर सकते हैं बेटा, आई को कर देंगे तो आई क्या हो जाता है, वी बाई आर। तो यहाँ हम I की जगह ये पुट कर देंगे, तो I की जगह हम ये जैसे ये पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ये वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ये एक आर से ही कट गया ना, इंटू टी, एक ये भी फॉर्मूला हो गया, बताओ जी, ठीक है, आया समझ। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट के भी हमने तीन फॉर्मूले कर लिए यहाँ पर अलग अलग, देखिए ध्यान से। बेसिकली अगर हम ये बात कर रहे हैं जूल हीटिंग इफेक्ट की, तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट बेसिकली यूज कहाँ होता है, सोचो ध्यान दो, कहाँ पर आपने ऐसा देखा है कि जहाँ आप प्लग लगाते हो और वो चीज जो है जो उस प्लग से कनेक्टेड है वो चीज जो है वो गर्म होना शुरू कर देती है। ध्यान करो, सबसे पहले तो क्या याद आती है, सर्दी, सर्दी में गर्म पानी, गर्म पानी लेते हैं हम, गीजर्स लगे होते हैं, आयरन रॉड्स होती हैं, प्लग लगाते हैं, रॉड को बाल्टी में डालते हैं, बकेट में, दैट इज फुल ऑफ वाटर, पानी गर्म हो जाता है, गीजर ऑन करते हैं, टैप ऑन करते हैं, नल चलाते हैं, गर्म गर्म पानी निकलता है, दैट इज द जूल हीटिंग इफेक्ट। रोज आयरन करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, कॉइल होती है उसमें, दैट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। लाइट बल्ब, अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो फिलामेंट होता है, देखो मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब की अगर मैं बात करूँ, और ये फिलामेंट, दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, और टंगस्टन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे करंट पास होता है, जैसे जैसे वो हीट अप होता है एक टेम्परेचर पे आके, वो एलिमेंट ग्लो करना शुरू कर देता है, इसीलिए बल्ब जो है वो ग्लो करता है। फिलामेंट कौन सा है, टंगस्टन, क्लियर हुई बात। आयरन की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिकल आयरन रोड्स की बात कर ली हमने, ठीक है, गीजर्स की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिक तंदूर, इलेक्ट्रिक तंदूर में भी कॉइल्स होती हैं बेटा, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉइल्स की हम बात कर रहे हैं, दिस कॉइल्स, दीस कॉइल्स, इस तरह की कॉइल्स होती है। ये कॉइल्स जो है वो बेसिकली किससे बनी बनी होती है बेटा, एलॉयज से बनी होती है। एलॉयज क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते, दैट इज द
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बना होता है उन्हें हम एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, तो एलॉयज की हो या कॉपर की हो, तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, जितना ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा बेटा। क्लियर है बेटा बात? तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस होगी है बच्चे, एक हो गया गीजर, एक आयरन रॉड, एक हो गया तंदूर, इलेक्ट्रिकल तंदूर, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं दैट इज बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे बताइए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो वर्क करते हैं। तो गीजर, इलेक्ट्रिकल तंदूर, इलेक्ट्रिक बल्ब, आयरन रॉड्स, आयरन, ये पांच हो गए, एक नंबर में आता है। दो या तीन, दो पूछते, इससे ज्यादा पूछते नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। अगर आपको होप कि आपको ये चैप्टर, ये वीडियो देखने में हेल्प होगी, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स से आप वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लिंक को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ डिफरेंट सीबीएसई के क्वेश्चंस प्लस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बी इन टच विथ फिजिक्स। थैंक यू।